ऑसिलेशन। स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर मास वर्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है तो कह रहे अब प्रूव करो कि ये भी SHM में है और इसका भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। तो ये इसने थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, मैंने भी लंबा कर दिया, मैं छोटा करके बताता हूँ। सपोज करो एक स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे, राइट, आपने एक मास लगाया और छोड़ दिया, तो मास ऊपर नीचे होके यहाँ पे आके रुक गया, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, लिख सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने वर्क पावर एनर्जी में किया था इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप गए, आपने मास को खींच दिया बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स और छोड़ दिया, फिर ये ऊपर नीचे आके फाइनली रेस्ट पे आएगा, कहां, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। तो आपका ब्लॉक यहां से यहां जाएगा, इसका मतलब तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां से यहां जाने में क्या होगी, अगेन माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर एक्स भी है, क्योंकि आपने स्प्रिंग को कितना खींचा, एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी इसमें, माइनस एक्स, ठीक हो गया यहां तक। तो आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा यहां से देखें तो इस बार आपकी रिस्टोरिंग फोर्स फिर से माइनस के एक्स, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉल्व करके एक्सेलरेशन सेम डेरिवेशन है, फिर से एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, तो प्रूव हो गया ये SHM। SHM की इक्वेशन लिखो, इन दोनों को कंपेयर करो, ओमेगा आएगा, ओमेगा क्या होता है 2π/T, तो यहां से टाइम पीरियड आएगा, सेम आंसर आएगा, और ये प्रूव हो गया चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, टाइम पीरियड की वैल्यू रिमेंस सेम, कितनी, t = 2π √m/k।